हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू कैलाश के ब्लॉग्स एंड आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं गंगा के पास हूँ अभी, तो फिर गंगा को दिखाई देता हूँ आपको थोड़ा सा। एंड आज मैं जाने वाला हूँ आपको घुमाने, लेके जाने वाला सुमन भाई भी मेरे साथ है और वो गाँव नहीं गया बेचारा, वो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बट ये देख सकते हैं आप गंगा को एंड हमारा ट्राईपॉड तैयार है एंड हम जा रहे हैं अभी, आपको दिखाते हैं जाके, तो फिर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, तो हम जा रहे थे अभी, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कहीं घूमने जा रहे हैं और सुमन भाई भी मेरे साथ जा रहा है। तो सुमन भाई को देख सकते हैं, क्या चल रहा है भाई? बस कुछ नहीं, बढ़िया। क्या हुआ, आप गांव नहीं गए? ट्रेन नहीं मिली। इसकी ट्रेन नहीं मिली वाले, क्या बोल सकते हैं अब। एंड हम चलते हैं फ्रेंड्स, तो फिर मैं बाइक चला रहा हूँ अभी एक हाथ से एंड मिलते हैं आपको फिर बाजार में, सीधा मैं आपको घुमाने मतलब वहाँ तक लेके जाऊँगा। समझ गया। एंड फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अभी मंदिर में एंड आपको बता दूं कि अभी एक और जगह जाना हमने, वो आपको बाद में बताते हैं। एंड पहला माथा टेक लेते हैं क्योंकि मम्मी जी ने दिया है तेल और उसी के साथ मैंने धूप लाई है, धूप दे देते हैं और आपको मंदिर में घुमाते हैं थोड़ा। ये देख सकते हैं आप बैक भी। एंड फ्रेंड्स, तो मंदिर में अभी जाने नहीं दे रहे क्योंकि सफाई चल रही है और शायद ही जाए हम और दूसरे मंदिरों में चले जाते पहले एंड फिर देखते हैं, अगर टाइम लगा तो इधर भी चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उधर तो गए नहीं हम, बट हम इधर दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान जी की और दिखाते हैं आपको, इधर दिखाना थोड़ा सा। एंड देख सकते हैं, एंड फ्रेंड्स तो मत्था टेक रहे हैं हम वैसे श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर के अंदर, पर लाइट तो इतनी देर नहीं जानी चाहिए थी, ये मंदिर है ना, बट आज श्रद्धालु भी बहुत कम आए और पता नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं इतना, बट कोई बात नहीं, लाइट गई है तो भगवान ने लाइट भेजी होगी। एंड चलते हैं भोलेनाथ के मंदिर में एंड उसके बाद जाएंगे हम शनिदेव के मंदिर में, सारे एक ही मंदिर एक ही जगह के अंदर है। एंड फ्रेंड्स, तो भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए अब, ये देख सकते हैं आप। एंड उधर मैंने दी थी धूप, तो इधर दे रहा है सुमन भाई एंड ये देख सकते हैं आप बैक व्यू भोलेनाथ जी का। एंड चलते हैं फिर। एंड फ्रेंड्स, तो इधर बहुत हरियाली है, ये मंदिर दिख रहा है आपको थोड़ा सा, और इधर बहुत ही हरियाली है, ये हरियाली बहुत सही है क्योंकि इधर का फिर तापमान भी बहुत कम रहता होगा, वैसे कम ही लग रहा है अभी। एंड फ्रेंड्स, तो इधर सारे ही बत्ती गई है, बट कोई बात नहीं, भगवान जी के दर्शन तो करने ही हमने, और इधर आए हम अभी शनिदेव जी के पास और फिर चलते हैं दर्शन करके। और ये देख सकते हैं वैसे बत्ती सारे की गई, इधर जनरेटर भी चलाया शायद उन्होंने, पर इतना लोड काफ़ी नहीं था और फिर दर्शन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो मुझे खांसी पता नहीं क्यों हो रही है, सुमन भाई ने तो धूप दे दी है बट मुझे खांसी पता नहीं क्यों हो रही है इतनी। एंड फ्रेंड्स, तो हमने सारी जगह का मत्था टेक लिया वैसे और अब जाएंगे हम शायद उधर, क्योंकि मेरी बहन भी आने वाली है स्कूल से, तो उसे लेने जाना पड़ता है बाइक पे, देखते हैं फिर अगर उसका फ़ोन आ गया तो फिर शायद ही जाओगा। एंड मैं ये ब्लॉग पहले डाल दूँगा, नहीं तो अगर नहीं जा हुआ तो फिर उधर हम जा रहे हैं अभी यहाँ से ओके सीधा, एंड देखते हैं अभी क्या होता है, तो फिर मिलते हैं आपको उधर। एंड ये देख सकते हैं व्यू, फ्रेंड्स तो दर्शन कर लिए हमने वहाँ के भी, बट एज ये फुल ब्लॉग नहीं बना पाए ऐसा वाला, बट शॉर्ट ब्लॉग मैंने मतलब शॉर्ट मैंने बना लिया, वो तो डालूँगा मैं। एंड पंडित जी पूजा कर रहे थे उधर, इसलिए बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाए, तो फिर ओके बाय बाय। 5 minutes later। एंड फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे कि हमने आना था, मैंने आपको बताया था हेलो कि कौन सी जगह पे आने वाले हम, एंड आपको नाम बता ही देते हैं। हम आए अपने शहर टांडा के शिमला पहाड़ी में और भाई देखो यहाँ पर चिल कर रहा है और नमकीन लाई है भाई ने, एंड दिखाते हैं आपको बैक व्यू बढ़िया से और घूमते फिरे तक। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप एक व्यू इधर से दिखाता हूँ एक व्यू। एंड ये देखो कैसा है, कैसा लग रहा है आपको? एंड फ्रेंड्स, तो फिर इधर अगर आप अंदर जाएंगे
आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। देखो पीने वाला पानी भी मिल जाएगा एंड झूले जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको, इतनी गारंटी है। ये भी मिल जाएगा यहाँ पे 2 दिन बाद। और ये देख सकते कितनी हरियाली है इधर, है ना। और आपको दिखाते हैं इधर क्या क्या करते हम। तो फ्रेंड्स मुझे शर्म जैसी आने लगी क्योंकि इधर पे बहुत सारे लोग हैं और ये अपने मज़े में खाई जा रहा इसको कोई शर्म नहीं है। एंड फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा इधर। बट इधर पे लोग हैं ना, लोग भी क्या बोले हैं, ये देख सकते हैं। ये वो देखो आप कितना खतरनाक, और ये पेड़ देखो कितना खतरनाक। पीछे का व्यू देखो, पेड़ के तो जड़ बराबर भी नहीं हुआ है। गाड़ी। एंड फ्रेंड्स तो देखो ये अकेला अकेला झूले ले जा रहा, मुझे बैठने नहीं दे रहा। देखो उसको मैंने इतने धक्के दिए अरे फिर मुझे नहीं बैठने दे रहा। तो तुसे देख सकते पीछे आह कितना करी जा रहे। तो इस पेड़ के ऊपर लव बर्ड्स ने अपने नाम लिख लिख के पता नहीं क्या क्या लिखा है, मैंने पढ़ा तो नहीं बट मुझे पता है कि उन्होंने लिखे। ऐसे काम वही कर सकते हैं, या तो छपरी कर सकते हैं या तो फिर लबर्ड्स कर सकते हैं। एंड आप व्यू देख सकते हैं, पहाड़ी शिमला पहाड़ी इसलिए बोलते हैं, छोटी तो है वैसे बट कोई बात नहीं। और देख सकते हैं, हाँ भाई हैं किधर पुल के ऊपर मरेगा उधर भाई, वो कह रहा है उस पुल के ऊपर जाओ, रस्सी पहले ही मुझे लगते कच्ची है उसके ऊपर मरेगा ही जाके। कोई बात नहीं, आप ही जाएंगे भाई, मुझे बहुत डर लगता है। एंड फ्रेंड्स तो ये देखो, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, पीपल का पेड़, पीपल का नहीं लग रहा, पीपल का पेड़ ही है फिर, चलो मैं भी मान लेता हूँ बेट, पीपल का पेड़ ही है ये, पीपल का ही है बस मान लिया मैंने। और कितना बड़ा है ये, नीचे चलते हैं। एंड फ्रेंड्स तो ये है इधर का मतलब जहाँ पे बैठ सकते हैं आप, एंड यहाँ से सीधा जाएंगे तो उधर रहते हैं बहुत सारे पंछी और खरगोश, पता नहीं क्या क्या रहता है, दिखाएंगे आपको। वैसे ये कह रहा है इसके ऊपर बैठते हैं, बहुत गर्म होगा वो अभी, इसलिए मैं नहीं बैठ रहा इसके ऊपर क्योंकि फिर घर भी जाना है अभी थोड़ी देर में। और पापा जी का फ़ोन आया था कि मैं फ़ोन करता हूँ तुम आ जाना सीधा, फिर हमने बोला चलो ठीक है हम आ जाएंगे। एंड आप व्यू ही देख लो पहले, समझ गया। एंड फ्रेंड्स तो इधर देख सकते हैं आप, इधर उन्होंने कबूतर रखे हैं अलग, कैसे दिखाऊं आपको, फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकता इतना बड़ा छेद नहीं है। एंड ये देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको। एंड ये देखो मस्ती कर रहा है खरगोश के साथ, खरगोश को भगा दिया इसने यहाँ से। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जाली लगाई है वैसे, एंड ये ख़राब हो चुका है वैसे, नहीं तो आपको पता लग जाता कौन कौन से पंछी है। तो ये देखो ये टर्की है, चिढ़ाओ मत उसे, देखो कैसे बुला रहा हो। ये देखो खरगोश अपनी बिल में भाग गया, तो भाई मत कर, हट तो। ओ कितना सोना खरगोश है, वाह। एंड ये देख सकते हो आप, पीछे देखो पीछे। एंड फ्रेंड्स तो बस इतनी करना था इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि पापा जी का फ़ोन आ चुका है और अब हम चलते हैं घर को। और बस मतलब मेरी बहन को लेने जाना सीधा स्कूल में, फिर घर को जाएंगे। ओके फिर बाय। लास्ट व्यू दे देता हूँ वाइड एंगल में, ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं।
एंड ये उधर के चौकीदार अंकल है। बट इसमें मच्छी नहीं होगी, नहीं मच्छी नहीं, पत्ते है इसके अंदर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर अभी तक हमने वो भी नहीं किया, क्या कहते हैं, झूले भी नहीं खेले थे। इधर वाले झूले रह गए थे, ऊपर वाले तो खेल लिए थे बट नीचे वाले नहीं खेले थे। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। तो फिर ओके, फिर जय हिंद जय भारत।